हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ सबसे पहले जो चर्चा करना चाहूँगा वो निफ्टी पर नहीं करूँगा बल्कि बैंक निफ्टी पर करना चाहूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि बाज़ार के अंदर जो टेक्निकल सेटअप है वो काफ़ी वीक हो गया है। लेकिन सबसे पहले चर्चा कल के एनालिसिस पर। कल हमने आपके साथ जो चर्चा की थी उसमें हमने एक बात तो प्रिडिक्ट की थी, कोशिश की थी कि बाजार गैप डाउन होगा। बाजार गैप डाउन हो भी गया, लेकिन हमारी दूसरी बात भी थी कि बाजार पुल बैक करेगा और बाजार ने पुल बैक नहीं दिया। और बाजार ने जो पुल बैक नहीं दिया तो उसकी वजह से जो हमारी पोजीशंस हैं वो हमने रोल ओवर की हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक टेक्निकल बाउंस बैक आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुपर बुलिश हूँ या काफ़ी तेजी वाली जो है कॉल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट मैं एक टेक्निकल बाउंस बैक की एंटिसिपेशन में जो है पोजीशंस जो है हमने तेजी की बनाई हुई हैं, हालांकि वो भी हमारी हेजिंग के साथ है। और जितनी भी मंदी थी हमारी, और जो डीप इन द मनी हमने कॉल सेल कर रखी थी वो सब हमने आज एक बार के लिए स्क्वेयर ऑफ कर दिए। और बाज़ार में जैसे ही पुल बैक आएगा तो फिर हम दोबारा से देखेंगे कि तेज़ी की पोजीशंस में से निकलकर दोबारा से मंदी की पोजीशंस बनानी है, तेज़ी की पोजीशन को कंटिन्यू करना है। बट अभी मुझे हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बाज़ार एक टेक्निकल पुल बैक देगा। और टेक्निकल पुल बैक के कुछ रीजंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज टेक्निकल पुल बैक क्यों नहीं हुआ वो तो बताइए सर, उसका रीज़न तो बताइए क्यों नहीं हुआ। देखिएगा, जो बुल्स हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और मैं आपके साथ एक चीज़ बोलता रहूँ काफ़ी लंबे समय से कि माल बड़ी तमीज से बिक रहा है। और ये जो माल बिक रहा था तमीज से, वो इस एक्सपायरी से नहीं बिक रहा है, ये पिछली एक्सपायरी से बिक रहा है। लेकिन बीच बीच में जो पुल बैक आ रहे थे वो इसीलिए आ रहे थे कि भाई तेजी वाला, जितनी तूने तेजी करनी है तू उतनी कर ले, तेरे को एक्सपायरी पे देखेंगे। तो हमें ये था कि शायद जो एक्सपायरी का काम है वो कल ही हो गया, क्योंकि कल एक अच्छी खासी सेलिंग थी, उससे पहले भी 3-4 दिन लगातार सेलिंग चली। तो हम इस एंटिसिपेशन में थे कि यार जो बड़ा एक्सपायरी वाला प्लेयर है उसने अपना एक्सपायरी का गेम प्ले कर लिया है। और इसीलिए मैंने कहा था कि सुबह जो है एक गैप डाउन के बाद जो है वही प्लेयर शायद अपनी तेजी की कॉल ले या जो अपने शॉर्ट्स हैं उनको कवर करें। लेकिन FIIs ने बड़ी तमीज के साथ अपने शॉर्ट्स टाइम टाइम वाइज जो है अपने कवर करते रहे। और आज उन्होंने जो है पूरा का पूरी ताकत झोंक दी बाजार को गिराने में, वो FIIs के डेटा से आपको पता चलेगा। 7,700 करोड़ रुपये की आज सेलिंग देखने के लिए मिली। अब ये जब सारी चीज़ें होती हैं तो अब देखिएगा यहाँ पर सारी दुनिया ना अब आपको ये बताने लगेगी कि भाई बहुत नीचे के लेवल्स हैं, अब तो ये वाला टारगेट आ जाएगा, अब यहाँ से भी 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट। लेकिन देखिएगा, मैं तो अभी इस तरीके की जो चीज़ है अभी मैं फिलहाल नहीं सोच रहा हूं। क्योंकि देखिएगा, बाजार तेजी भी करता है मंदी भी करता है। और हम जब बाजार फुल तेजी में था तो हमने बाय गॉड ग्रेस काफ़ी अच्छी पोजीशन हमारी ऊपर बन गई थी, और हमारे शुरू में अलग स्टॉप लॉस भी कटे थे जब बाजार ने एक हमारी एंटिसिपेशन से ज़्यादा जो है पोजीशन दे दी थी। और आज कुल मिलाकर हमारी जो मंदी की पोजीशन थी वो हमने कट कर ली। अब दोबारा से बनाएंगे या नहीं बनाएंगे आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा आज काफ़ी पोजीशंस हमने डिवीज लैब के अंदर भी कम कर लिए हैं। तो डिवीज लैब में अब हमारी बहुत ही माइनर मंदी की पोजीशंस हैं, हम उसमें भी एक पुल बैक की उम्मीद कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हम डिवीज लैब में दोबारा से मंदी की पोजीशन बनाएंगे, हालांकि अभी भी मंदी की ही पोजीशंस हैं, लेकिन हमारा जो बेस है मंदी का वो हमने थोड़ा सा कम कर लिया है। यानी कि क्योंकि ऊपर जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो हम मंदी को जो है एग्जीक्यूट करने लग रहे थे, तो अभी क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइम वैल्यू मनी भी हमारे पास आई, तो ये कुल हाल फिलहाल में अभी जो चला वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो हमने पिछले 1.5-2 महीने में मंदी बनाई थी उसमें से काफ़ी अच्छी पोजीशंस हम निकल गए हैं। लेकिन मैं अब इतने प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद, इतनी अच्छी सेल ऑफ के बाद, देखिएगा मुझे अभी इतना कन्विंस नहीं हो कि मैं यहाँ पे भी एक मंदी बनाऊँ।
तो मैं यहाँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति करेंगे, और हम उम्मीद करें कि अभी हमने थोड़ी सी एक स्लाइटली पुल बैक के लिए पोजीशंस बनाई हुई हैं, तो बाजार एक पुल बैक करता हुआ नजर आना चाहिए। अब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, देखिएगा निफ्टी अपनी एक मेजर सपोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जब बाजार गिरता है तो सपोर्ट नहीं टूटती है, सपोर्ट टूट जाती है, जैसे इस बार हुआ। अभी देखो क्या अच्छी अच्छी सपोर्ट सब धराशायी हो गई, जो पिछली बार की करेक्शन में भी नहीं थी। तो जो 18,800 है वो एक अच्छी खासी सपोर्ट है, जहाँ से एक पुल बैक की उम्मीद बनती है, पहला रीज़न। दूसरी बात क्या कि जो इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं उनके अंदर वो ओवरसोल्ड जोन में चले गए हैं, जिनसे इंडेक्स प्ले होता है, तो वहाँ से भी एक पुल बैक की उम्मीद हम इसलिए भी एंटिसिपेट कर रहे हैं। तीसरा रीज़न मैं आपके साथ बता रहा हूँ, पुल बैक का रीज़न, मैं रीज़न नंबर थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आज बाजार बंद होने लगा तो उस समय पर कुछ शेयर्स जो इंडेक्स को मूव करते हैं उनमें एक अच्छी खासी बिल्डअप नीचे के लेवल पर देखने के लिए मिला, तो जो कि एक इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई कल एक जो है पुल बैक आने की संभावना रहेगी। उसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ें देखें कि जो ब्रेंट क्रूड है वो भी ऊपर से सॉफ्ट हो गया है, तो वो भी जो है हमारे लिए फेवरेबल है। 83.20 के आसपास जो है डॉलर चल रहा है, तो ये पहले भी जब बाजार 46,000 या 45,800 के आसपास था तब भी ये रेट थे, तो वहाँ से एक अच्छी करेक्शन हो गई। उसके बाद एक साइकोलॉजिकल रीज़न कि देखिएगा मंदी करने वालों को अपना प्रॉफिट कब आएगा, तमीज से जब माल बेचेंगे तो वो उस दिन आता है जिस दिन एक्सपायरी है। अब आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में जिसने तेजी कर रखी होगी उसकी तेजी के अंदर जब शाम को पोजीशंस रोल ओवर करने का समय आया होगा, तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो एक्चुअली उस एफएनओ के पूरे कंपोनेंट की वैल्यू को नहीं समझते हैं कि भाई आपने एक सौदा तो ले लिया, आप खाली मार्जिन की वैल्यू समझते हैं। तो वो जब M2M बढ़ता है तो वो उतनी पोजीशंस रोल ओवर नहीं होती हैं जितनी पोजीशंस तेजी की बनी होती हैं। और तेजी वाले में एक और चीज़ है कि यार अगले महीने की रोल ओवर करते हो ना, हर बार 10-20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, मतलब अगर परसेंटेज टर्म से बात करें तो तकरीबन आधा परसेंट से लेके 1% तक का प्रीमियम भी होता है, तो वो जो प्रीमियम है वो भी पे करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली तेजी वाले के पास ये रिस्क तो है ही। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो मुझे लग रहा है कि FIIs बड़ी तमीज से माल बेच रहे थे, पिछले महीने भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन आज उनके पास सामने क्या है, इंटरनेशनल मूड माहौल भी आ गया क्योंकि डाउ जोन्स में भी वीकनेस थी, यूरोपियन मार्केट भी वीक थी और हमारे जो एशियन पीयर्स हैं वो भी वीक थे, तो वहाँ पर भी हमें लग रहा है कि, और US की तो GDP यार गजब आई है, लेकिन देखो बाजार की विडंबना देखिएगा, US की GDP प्लस आई है तो इसका ये उम्मीद होगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है भी कम होने वाले नहीं है। तो ये मतलब अगर आप GDP को देखो यार आपकी इनकम बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ गया है, बट US में थोड़ा अलग तरीके से प्ले होता है। अगर यही चीज़ इंडिया में होती कि भाई GDP की ग्रोथ आती तो हमारे बाजार तो बहुत अच्छी तेजी करते, लेकिन US में क्या है कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो उन्होंने कोविड के समय पर नोट बांटे थे उसका असर ये है कि GDP तो ग्रो कर रही है, लोगों के पास खूब पैसे हैं, वो खूब दबके खरीद रहे हैं, लेकिन वो सब माल महंगा हो रहा है, तो जो गरीब है उसके पास तक जो है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं या एसेंशियल सर्विसेज वो नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे कट हो। लेकिन इन सब के बावजूद हमें लगता है कि जो US में मंदी की बात हो रही थी वो थोड़ी सी अभी जो है बैकफुट पर आती हुई नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में मैं केवल इतनी ही बात आपके साथ करूंगा कि वी आर एंटिसिपेटिंग पुल बैक, और रीज़न मैंने आपको बताया, अब होगा नहीं होगा मैंने कल भी यही बात बोली थी, वो हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये निफ्टी का वन डे का चार्ट है, तो वन डे का चार्ट आपको सीधा सीधा बता रहा है भाई सारी स्पोर्ट खत्म। तो ये जो स्पोर्ट थी वो जो स्पोर्ट टूटी है उनको आप देखिए, और ये हमारा वो लेवल था 43,400 का, और मुझे याद है कि मैं बार बार ये बात बोलता था कि भाई 43,400 टूटेगा, 43,560 टूटेगा तो 1,000 से 1,100 पॉइंट का जो फॉल आएगा वो बड़ा स्पीड से आएगा, तो वो इतनी ज़्यादा स्पीड से आएगा, वो हमारी भी एंटिसिपेशन से ज़्यादा स्पीड हो गई, पर बहुत ज़्यादा स्पीड से ही आया। और ये 3 कैंडल में आपको चीज़ें आगे समझ में, अब देखिएगा अगर हम यहाँ पर जो चार्ट को देखने की चेष्टा करें तो हम अगर वीकली चार्ट पर अपनी नज़र दौड़ाएं तो थोड़ा सा आइडिया आपको वहां से मिल सकता है। तो देखिएगा ये वीकली चार्ट है, यानी कि हफ्ते भर का जो चार्ट है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर जो कैंडल बनती है, यानी कि 5 दिन की जो कैंडल्स हैं वो कैंडल्स हैं, उस कैंडल से भी अगर हम देखें
तो एक तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको डेली चार्ट के ऊपर, सॉरी वीकली चार्ट पे भी नजर आ रहा है। लेकिन उसी के बीच में कुछ चीजें हमें नजर आ रही हैं, वो ये है कि ये एरिया यहाँ पर, ये जो बड़ी कैंडल्स हैं, एक गिरावट जब हुई थी अदानी एपिसोड में, उस समय पर भी बाजार ने यहाँ पर 41,900 के आसपास एक रिस्पेक्ट ली थी, और यहाँ पर भी कुछ पुल बैक्स आए थे, यहाँ पर भी कुछ पुल बैक्स आए थे। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर फर्दर डाउनफॉल भी होगा तो बाजार शायद एक बार 500 से 800 पॉइंट तक का पुल बैक दे सकता है, और इस बात की संभावना हमें लग रही है। हम केवल इतना ही अभी प्ले करने के मूड में है, उसके बाद जैसी भी स्थिति होगी आपके साथ जो है चर्चा करेंगे। तो इस एनालिसिस में बस केवल इतना ही, और बाकी पूरी मार्केट में आज क्या रहा ये अभी हम आपके साथ चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।